YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 14 मार्च 2022 दिन सोमवार है। शक संवत 1943, विक्रम संवत 2078। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन में 10:25 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी। नक्षत्र पुष्य रात में 8:47 तक है, उसके बाद श्लेषा नक्षत्र है। सूर्योदय 6:06 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:54 पर होगा। आज दिन में 10:25 तक भद्रा है। भद्रा के दौरान कई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आज दिन में 10:25 के बाद जात कर्म, नामकरण, अन्न प्राशन, विपणी व्यापार, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रमाण, इक्षुवपन, सेवारंभ, वाहन क्रय, जलयंत्र कर्म, शय्यासन आदि के उपभोग और आवेदन पत्र लेखन के लिए मुहूर्त है। आज आमल की एकादशी है। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों के एकादशी तिथि को रखा जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने आमले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। आमल की एकादशी का व्रत करने वाला सब पापों और दुखों से छुटकारा पाता है। इस एकादशी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। रंगभरी एकादशी मुख्य रूप से भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि विवाह के पश्चात माँ पार्वती को लेकर भगवान भोलेनाथ इसी दिन पहली बार काशी आए थे। आज बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व होता है और इसी दिन से काशी में होली के पर्व की शुरुआत भी हो जाती है। यह पर्व लगातार 6 दिनों तक चलता है। आज सोमवार है और सोमवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में चेहरा देखना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।